शालकी यानी कि लोबान, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। अक्सर माँ अपने बच्चों की नज़र उतारने के लिए इसका प्रयोग करती है और ये हवन सामग्री में भी प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि लोबान का हवन जिस घर में किया जाता है उस घर में नकारात्मकता नहीं आती। ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आस्था से भी बढ़कर एक और चीज है जो शालकी को महत्वपूर्ण बनाती है या आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करती है। ये एक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है जो आपको किडनी रोग जैसे गंभीर रोगों से दूर रखती है। हमारा आज का विषय शालकी के बारे में है। आगे जानेंगे इसके बारे में, हमारी पूरी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। आगे बढ़ने से पहले, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत धवन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कि लोबान किस प्रकार आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे पहले जानते हैं कि लोबान यानी कि शालकी क्या है। शालकी एक तरह का चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको गोंद या राल भी कहते हैं। ये बोसवेला सेरेटा के पेड़ से मिलता है। ये एक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। कई लोग इसके तेल का प्रयोग भी करते हैं। इसके तेल को फ्रैंकिंसेंस ऑयल कहा जाता है जो गठिया रोग में बहुत सहायक होता है। अगर बात करें किडनी के मरीजों की तो इसका सेवन किडनी के मरीज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बॉडी में सूजन की वजह से होने वाले दर्द में इसके तेल का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सेवन आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो जिनकी किडनी स्वस्थ है उन्हें इसका सेवन फायदेमंद साबित होगा। आइए इसके फायदों को जानते हैं। इसका सबसे पहला फायदा है कि आपको डायबिटीज के खतरे से दूर रखता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शालकी एक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसका प्रयोग आपके ब्लड में शुगर के स्तर को कम रखता है जिससे आप डायबिटीज के खतरे से दूर रहते हैं। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज की शिकायत भी है और वो इसके लिए किसी प्रकार का आयुर्वेदिक उपचार ले रहे हैं तो उस उपचार में शालकी को भी शामिल किया जा सकता है। शालकी का अगला फायदा है कि ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है। बॉडी में अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बॉडी में जब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये आपके हार्ट पर असर करता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। इसके लिए शालकी यानी कि लोबान बहुत ही फायदेमंद है। इसका सेवन आपको बढ़ते कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। अगला है सर दर्द की समस्या को दूर करें। सर दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं सर में दर्द होता क्यों है? कई लोगों का जवाब यही होता है कि टेंशन है, नींद पूरी नहीं होती, काम का बहुत स्ट्रेस है या फिर अधिक सोना। ये सब तो ठीक है, लेकिन सही वजह शायद ही कोई जानता हो। तो आपको बता दें कि जिनके सर में दर्द की समस्या बनी रहती है उनके ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग आने की वजह से ये होता है। तो इसको दूर करने के लिए लोबान का अर्क या उसका तेल बहुत फायदेमंद है। आप उसके अर्क का सेवन कर सकते हैं या फिर आप इसके तेल को सर पर लगा सकते हैं। इससे आप सर दर्द की समस्या से दूर रहेंगे। इसके साथ ही शालकी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। शालकी का सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इससे इंटेस्टाइन्स में होने वाली सूजन कम होती है और आपको पेट की समस्या नहीं होती। इसका सेवन आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, स्टमक क्रैम्प्स और डायरिया की समस्या से दूर रखता है। लोबान का अर्क आपको मानसिक तनाव से दूर रखता है, साथ ही ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। बॉडी में होने वाली अनचाही सूजन को कम करने के लिए लोबान काफी फायदेमंद माना गया है। तो ये हैं लोबान के कुछ फायदे जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ नुकसान। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में न करें क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको स्किन में खुजली की दिक्कत आ जाए। जो लोग डायबिटीज की दवा ले रहे हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि ये अधिक मात्रा में ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है तो उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना है। तो ये है शालकी के कुछ नुकसान और किडनी के मरीज इसका सेवन बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ स्वस्थ किडनी के लिए है, डैमेज किडनी के लिए नहीं। और अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जब आए थे उस समय सोहेल आपको क्या क्या परेशानी हो रही थी? मेरे उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, 16.9 था, सांस लेने में दिक्कत थी, खाना पीना नहीं जा रहा था, टॉयलेट में भी नहीं, टॉयलेट एम्प्टी, स्वेलिंग भी थी,
ये प्रॉब्लम थी मेरे को। 16.73 क्रिएटिनिन हो गया था जी। क्यूआरजी हेल्थ सिटी से इन्होंने टेस्ट कराए, क्रिएटिनिन 16 तक पहुंच गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया जी। 16 से घट के हुआ 8 जी। 8 से हो गया 2.9, 124 से हो गया, यूरिया नॉर्मल के रेंज में आ गया। तो 16 से लेके क्रिएटिनिन जो है वो अभी लेटेस्ट 2.9 हो चुका है जी, और नॉर्मल है यूरिया, और ये हुआ बगैर डायलिसिस के। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।